नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्पादन संभावना वक्रों के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, PPC जिसे कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है हमारा? उत्पादन संभावना वक्र। जैसा कि हम नाम से देखते हैं, इससे क्या समझ आ रहा है? उत्पादन की संभावना, मतलब विभिन्न वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जा सकता है उसकी संभावनाओं को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे, ध्यान रखना कि अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के पास में जो भी संसाधन अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का उत्पादन की जो भी तकनीक उपलब्ध होती हैं उसका प्रयोग करके कितना उत्पादन कर सकते हैं उसकी संभावना को दर्शाता है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है? दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जिसे अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों और तकनीक का प्रयोग करके उत्पादित किया जा सकता है। उत्पादन की जो तकनीक है, इसमें मान लिया गया है कि उत्पादन की तकनीक क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। अर्थव्यवस्था के पास में जो संसाधन है वो क्या है? सीमित हैं। तो जो सीमित संसाधन किसी अर्थव्यवस्था के पास में उपलब्ध हैं, उत्पादन की जो तकनीक उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके किसी वस्तु का कितना उत्पादन किया जा सकता है। तो जब हम इसकी परिभाषा देखते हैं, तो उत्पादन संभावना वक्र की क्या परिभाषा है? कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिसे अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों और तकनीक का प्रयोग करके उत्पादित किया जा सकता है। तो इसको समझाने के लिए हम एक सारणी ले लेते हैं कि माना कि किसी अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी तकनीकी ज्ञान उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग दो वस्तुएं एक्स और वाई का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि संसाधन क्या होते हैं अर्थव्यवस्था के पास में? सीमित। अगर अर्थव्यवस्था में किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन क्या करना पड़ेगा? उसे कम करना पड़ता है। क्यों कम करना पड़ता है? क्योंकि उत्पादन की जो तकनीक है, जो संसाधन है, उनको हमने सीमित माना है, स्थिर माना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर एक का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरे का उत्पादन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो जैसे हम देखते हैं कि माना कि अर्थव्यवस्था में जैसे ए संयोग की हम बात करते हैं, यदि जो भी तकनीकी ज्ञान उपलब्ध हैं, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा है? वस्तु वाई के उत्पादन में। तो इस स्थिति में वस्तु वाई की कितनी इकाइयों का उत्पादन होता है? 100 इकाइयों का। तो एक्स वस्तु का कितना उत्पादन होगा उस समय? 0। क्यों? क्योंकि सभी संसाधनों को हमने क्या किया? वस्तु वाई के उत्पादन में लगा दिया। अब देखिए, हम क्या करते हैं कि कुछ संसाधनों को वस्तु वाई से हटाकर वस्तु एक्स के उत्पादन में लगाते हैं। तो एक्स का उत्पादन जो है वो 0 से बढ़ के कितना हो जाता है? 10 इकाई। तो ऐसी स्थिति में वस्तु वाई की जो इकाइयाँ हैं वो कम हो जाती हैं। कितनी कम हो जाती है? 10 इकाइयाँ कम हो जाती हैं। तो वस्तु वाई का कितना उत्पादन होता है उसमें? 90 इकाइयाँ। ठीक है, जब हम एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो वस्तु वाई का उत्पादन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ता है। तो दूसरा संयोग अर्थव्यवस्था के पास में हो गया कि यहाँ तो वो वस्तु एक्स की 10 इकाई और वस्तु वाई की 90 इकाइयों का प्रयोग करें, उत्पादन करें। ठीक है, अब माना कि अर्थव्यवस्था में से कुछ संसाधन वाई वस्तु से हटाकर और एक्स वस्तु के उत्पादन के लिए लगाए जाते हैं। तो एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ के कितना हो जाता है? 10 इकाइयों से बढ़कर 20 इकाइयाँ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु वाई का जो उत्पादन है वो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। माना कि कितना हो गया है? 70। ठीक है, तो माना कि ये जो हमारे पास में संयोग आ रहा है ए बी सी, इन सभी संयोगों का उत्पादन किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं हमारा डी संयोग है, यदि संसाधनों को वाई से हटाकर एक्स में और लगाया जाए तो एक्स का उत्पादन 20 से बढ़कर कितना हो जाता है? 30 इकाई। जबकि वस्तु वाई का जो उत्पादन है वो घट जाता है कितना? 70 से 40, 30 इकाइयाँ घट जाता है।
और संसाधनों को, अगर हम समस्त संसाधनों को वस्तु एक्स के उत्पादन में लगा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक्स वस्तु की 40 इकाइयों का उत्पादन होगा, जबकि वस्तु वाई का कितना उत्पादन होगा? जीरो। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे पास में इससे विभिन्न संयोग बन गए ए बी सी डी ई। ठीक है, जब हम वस्तु एक्स की 0 इकाई का उत्पादन करते हैं तो वाई का कितना उत्पादन हो सकता है? 100। अगर हम x की 10 इकाइयों का उत्पादन करना चाहते हैं तो y का कितना कर सकते हैं? 90। अगर हम x की 20 इकाइयों का उत्पादन करना चाहते हैं तो y की 70 इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है। x की अगर 30 इकाइयों का उत्पादन करना चाहें तो हम y की 40 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। और समस्त संसाधनों को यदि x वस्तु के उत्पादन में लगा दी जाए तो x वस्तु की 40 इकाइयों का उत्पादन हो सकता है, जबकि वस्तु y की 0 इकाइयों का। तो ये हमारे पास में जो विभिन्न संयोग हैं उन्हीं को प्रदर्शित करता है कौन? उत्पादन संभावना वक्र। और इसी सारणी को हम एक रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तो जो वक्र बनेगा उसी वक्र को हम कहते हैं PPC, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, इधर हमने ले ली है x वस्तु और इधर हमने ले ली है y वस्तु। x वस्तु के हमारे पास में कितनी इकाइयाँ थी? अधिकतम 40 इकाइयाँ, तो इधर हमने 10-10 का अंतर ले लिया, 10, 20, 30, 40। और y की जो अधिकतम मात्रा है कितनी है? 100 है, तो इनको प्रदर्शित करने के लिए हमने y पर 20-20 का अंतर ले लिया है, 20, 40, 60, 80 और 100। अब पहला संयोग हमारा क्या है? a संयोग। ठीक है, जिसमें x की मात्रा कितनी है? 0, तो वो कहाँ पे आएगी? इस जगह मूल बिंदु पे। और वस्तु y की कितनी है? 100 इकाइयाँ। ठीक है, वो आ गई यहाँ पे, हमने पॉइंट लगा दिया, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने? a। फिर हमने b को प्रदर्शित किया, b की कितनी इकाइयाँ हैं? 10, तो ये हैं 10। और वस्तु y की कितनी इकाइयाँ हैं? 90, तो इधर हमने 90 इसको मिला दिया, तो ये हमारा b संयोग आ गया। फिर हमने c को, तो c में x की मात्रा कितनी है? 20, तो ये हो गई x में 20 की मात्रा। और वस्तु y की कितनी इकाइयाँ हैं? 70 इकाइयाँ, तो इधर हमने 70 से मिला दिया। फिर हमने लिया d संयोग, जहाँ पर x की मात्रा कितनी है? 30, तो ये हो गई 30। और वस्तु y की कितनी मात्रा है? 40 इकाइयाँ, तो ये हो गई हमारी 40 इकाइयाँ, इसको हमने बिंदु का नाम दे दिया d बिंदु। ये था b, ये था c। और लास्ट हमारा e बिंदु, जिसमें x की कितनी है? 40 इकाइयाँ, ये हो गई हमारी 40 इकाइयाँ। और वस्तु y की 0 इकाइयाँ, तो वो कहाँ पे आएगा? इस एक्सिस के ऊपर ही आएगा, इस ओ एक्स के ऊपर ही आएगा। और फिर इन सारे पॉइंट को हमने मिला दिया, तो ये जो वक्र बना इसको हम क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र, जो क्या प्रदर्शित कर रहा है? दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जिसे अर्थव्यवस्था में उपलब्ध तकनीकी और संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के पास में जो भी तकनीकी, जो भी संसाधन, उनका प्रयोग करके ए संयोग को उत्पादित किया जा सकता है, या बी को, या सी को, या डी या ई को, किसी भी संयोग को उत्पादित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो ए ई है क्या कहलाता है? उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना हमने कि हमने क्या किया था, एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो दूसरी वस्तु y का उत्पादन क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है, लेकिन कम करने की जो दर है, ठीक है, यहाँ पर कितनी, जैसे हमने x की अतिरिक्त 10 इकाइयों के लिए y की यहाँ पे 10 इकाइयों का त्याग किया था, फिर 20 इकाइयों का त्याग किया था, फिर 30 इकाइयों का त्याग किया था, फिर 40 इकाइयों का त्याग किया था, तो ये जो दर है जिसको हम क्या कहते हैं? MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं। ये कैसी होती हैं? बढ़ती हुई होती हैं। क्यों होती हैं बढ़ती हुई? क्योंकि साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन नहीं होते हैं, अपूर्ण स्थानापन होते हैं। जब हमें एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना होता है तो वस्तु वाई में जो साधन लगे होते हैं वो मशीनें हो सकती हैं, श्रम हो सकता है। ठीक है, तो उनको इधर से हटा के हमको इधर लगाना पड़ता है, तो इसका अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए हमें इसकी अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन नहीं होते हैं। इसलिए
अब हम पढ़ते हैं उत्पादन संभावना वक्र हैं, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखिए एक मिनट देखिए कि जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है, दो वस्तुओं के संयोग को प्रदर्शित कर रहा है। हम एक का उत्पादन बढ़ाते हैं तो दूसरे का उत्पादन कम करना पड़ता है, इसलिए हम उत्पादन संभावना वक्रों को क्या कह सकते हैं, उत्पादन रूपांतरण वक्र भी कह सकते हैं। उत्पादन रूपांतरण वक्र क्यों, क्योंकि हम एक का उत्पादन बढ़ा रहे हैं और दूसरे का उत्पादन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र का एक और क्या नाम है, रूपांतरण वक्र। अब हम पढ़ते हैं जो उत्पादन संभावना वक्र उनकी क्या विशेषता होती है। तो पहली विशेषता हमारी है कि ये जो वक्र होते हैं वो दाईं ओर झुके होते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि जो पीपीसी वक्र है उनका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों होता है ऋणात्मक, क्यों, क्योंकि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है। क्यों कम करना पड़ता है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए। तो इसलिए हमारा जो पीपीसी वक्र है वो कैसे बनते हैं, ऋणात्मक ढाल के, या जिन्हें हम कह सकते हैं दाईं ओर झुके होते हैं या नीचे की ओर गिरते हुए। दूसरी मुख्य विशेषता है इसकी कि जो हमारे उत्पादन संभावना वक्र होंगे वो ऊपर से नीचे गिरते हुए बनते हैं, लेकिन साथ में उनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, नतोदर होता है, जिसको हम अवतल भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में अगर हम देखें इसको कहा जाता है कॉनकेव। तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, नतोदर, कॉनकेव, अवतल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम एक वस्तु का उत्पादन अगर बढ़ाते हैं, जैसे पिछली सारणी में हमने देखा था कि वस्तु X का उत्पादन बढ़ाने के लिए वस्तु Y की मात्रा में हम कमी कर रहे थे, लेकिन कम करने की जो दर है जिसको हमने क्या कहा था, MRT या MOC, ये क्या होती हैं, बढ़ती हुई होती हैं। ठीक है, ये बढ़ती हुई होती है हमारी जो अवसर लागतें, इसी कारण से उत्पादन संभावना वक्रों का आकार कैसा बनता है, नतोदर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हमारी अवसर लागत किसे कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले सारणी में देखा था कि हम क्या कर रहे थे, एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे थे। ठीक है, ये देखिए एक वस्तु का हम उत्पादन बढ़ाते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 100। तो वस्तु Y का उत्पादन हमको क्या करना पड़ रहा था, कम, 100 से 90, 90 से 70, 70 से 40, 40 से 0। तो इसी दर को क्या कहा जाता है, अवसर लागत, कि वस्तु X की 10 इकाई उत्पादित करने के लिए Y की कितनी मात्रा का त्याग किया गया था, 10 इकाइयों का। तो X वस्तु की 10 इकाई उत्पादित करने की अवसर लागत कितनी है, वस्तु Y की 10 इकाइयाँ। आगे हम देखते हैं 10 से 20, तो X की 10 इकाइयों का उत्पादित करने की यहाँ पे अवसर लागत कितनी है, Y वस्तु की कितनी इकाइयाँ, 90 से 70, कितनी इकाइयाँ हुई, 20 इकाइयाँ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम X का उत्पादन और बढ़ाते हैं, 20 से 30 कर देते हैं, तो वस्तु Y का उत्पादन हमको और करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, कितना कम किया हमने, 70 से 40। तो यहाँ पर X वस्तु की 10 इकाई उत्पादित करने के लिए वस्तु Y की कितनी इकाई, तो यहाँ पर X वस्तु की 10 इकाई उत्पादित करने की अवसर लागत कितनी हो गई, Y वस्तु की 30 इकाइयाँ। और नेक्स्ट E बिंदु पर अगर हम देखते हैं, तो X वस्तु की 10 इकाई उत्पादित करने की अवसर लागत कितनी है, 40 से 0, मतलब 40 इकाइयाँ। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, अवसर लागत। तो अब हम देखते हैं कि अवसर लागत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के उत्पादन के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की त्यागी गई मात्रा होती है। ठीक है, जैसे हम देख रहे थे कि हम X वस्तु का उत्पादन 10 से 20 अगर करना चाहते हैं, तो Y वस्तु का उत्पादन हम माना कि 100 से 80 करते हैं। तो यहाँ पर X वस्तु की 10 इकाई प्राप्त करने के लिए Y वस्तु की मात्रा का जितना भी त्याग किया गया है वही क्या होती हैं, अवसर लागत होती हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जैसे उत्पादन संभावना वक्र है, तो इस उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा भी हम
अवसर लागत को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे ये हमारा वाई और ये है एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और ये हमारा ए डी जो है वो क्या है, उत्पादन संभावना वक्र है। अब हम इसमें हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, माना कि ये वाई वन और ये हमारा एक्स वन, ठीक है, जिसका अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जा सकता है। अब हम एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, इस एक्स वन से एक्स टू, तो एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए वाई वस्तु की मात्रा हमें कम करनी पड़ती है। कितनी कम करनी पड़ती है, वाई वन से लेकर वाई टू, और x की मात्रा हम कितनी बढ़ा रहे हैं, x1 से लेकर x2। तो x वस्तु की x1 x2 मात्रा बढ़ाने के लिए वस्तु y की y1 y2 मात्रा में जो कमी की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी सीमांत अवसर लागत क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT, रूपांतरण की सीमांत दर। अब देखिए जब हम सीमांत की बात करते हैं तो हमारा आशय किससे होता है, किसी वस्तु की एक इकाई से। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का जो त्याग किया जाता है, दूसरी वस्तु की मात्रा में जो कमी की जाएगी, वही पहले वस्तु की सीमांत अवसर लागत होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका हम फॉर्मूला ले सकते हैं, वाई में परिवर्तन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को क्या कहा जाता है, MOC कहा जाता है, या MRT हम कह सकते हैं। इसको समझाने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, माना कि अर्थव्यवस्था में एक्स और दो वाई, ठीक है, एक्स और वाई दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अब एक्स वस्तु की एक इकाई का जब हम उत्पादन करते हैं तो वस्तु वाई का कितना उत्पादन कर सकते हैं, 100 इकाइयों का, जो भी अर्थव्यवस्था में तकनीक और संसाधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके। अब हम यदि वस्तु एक्स का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, एक्स का उत्पादन हम अगर एक से दो कर देते हैं, ठीक है, पहली इकाई से दूसरी इकाई, हम एक अतिरिक्त इकाई का ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, तो वस्तु वाई की हम देखते हैं 100 इकाइयों से 80 इकाइयाँ, कितनी इकाइयों का त्याग किया है, 20 इकाइयों का। तो यहाँ पर हमारी सीमांत अवसर लागत कितनी है, वस्तु एक्स की एक इकाई उत्पादित करने की सीमांत अवसर लागत वस्तु वाई की 20 इकाइयाँ हैं, ठीक है। इसे हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि सीमांत अवसर लागत का संबंध किससे होगा, वस्तु एक्स की एक इकाई से, ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है, और ये स्थिति हमारी है। माना कि यहाँ पर हम एक्स वस्तु की 4 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं और वस्तु वाई की यहाँ पे 100 इकाइयाँ हैं। अब हम क्या करें, एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहें, जैसे चौथी से अगर हम 5वीं इकाई का उत्पादन करना चाहें, तो इस स्थिति में हमें वाई वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। ये कमी कितनी है, माना कि यहाँ पे 80 है, तो एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने की चौथी से 5वीं, ठीक है, अवसर लागत कितनी है, वस्तु वाई की हमने कितनी मात्रा का त्याग किया, 100 से 80, कितनी इकाइयों का त्याग किया, 20। तो इस 20 को हम क्या कहते हैं, सीमांत अवसर लागत, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा तटस्थ ये उत्पादन संभावना वक्र है, इसमें क्या माना गया है कि ये जो हमारी सीमांत अवसर लागत है वो क्या होती हैं, बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं, क्योंकि साधन एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन होते हैं, एक साधन की जगह हम दूसरे साधन का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं, इसलिए। तो इस प्रकार हम सीमांत अवसर लागत की गणना कर सकते हैं। हम चाहें तो हमने जो पहले जो सारणी पढ़ी थी, ठीक है, उसके आधार पर भी सीमांत अवसर लागत की गणना कर सकते हैं। यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमारी जो सीमांत अवसर लागत है वो कितनी होगी, जैसे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, MOC इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ हम देखते हैं एक्स में कितना परिवर्तन हुआ, 10 का, अपॉन वाई में कितना परिवर्तन हुआ, 10 का, तो 10 अपॉन 10 इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो यहाँ पर जो सीमांत अवसर लागत है बी बिंदु पर वो कितनी होगी, एक्स वस्तु की एक इकाई की अवसर लागत कितनी होगी, सीमांत अवसर लागत वस्तु वाई की एक इकाई।
फिर अगर हम आगे देखते हैं, जब उत्पादन 10 से 20 हो जाता है एक्स वस्तु का, तो वाई का हम कितना कम करते हैं, 90 से 70, 20 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 अपॉन 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर जो सीमांत है उससे लागत आ रही है हमारी, ठीक है, यहाँ पर 1 आई थी, यहाँ पे कितनी आ रही, 2 आ रही है। फिर हम डी बिंदु पे भी निकाल सकते हैं, तो डी बिंदु पर अगर हम देखते हैं वाई में कितना परिवर्तन हुआ, 70 से 40 कितना परिवर्तन है, 30 का, अपॉन एक्स में जो परिवर्तन है वो कितना है, 20 से 30, 10 का, 30 अपॉन 10 करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो डी बिंदु पर जो हमारी सीमांत अवसर लागत है वो कितनी होगी, 3। इसी तरीके से हम ई बिंदु पर भी ज्ञात कर सकते हैं, तो ई बिंदु पर अगर हम देखते हैं वाई में कितना परिवर्तन हुआ, 40 से 0 कितना परिवर्तन है, 40 का, अपॉन एक्स में कितना परिवर्तन है, 30 से 40, 10 का, तो 40 अपॉन 10 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो इन विभिन्न बिंदुओं पर भी हम सीमांत अवसर लागत की गणना कर सकते हैं। तो सीमांत अवसर लागत जो होती है उसका आशय किससे होता है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने के लिए दूसरी वस्तु Y की कितनी मात्राओं का त्याग किया जाता है। अब देखिए, जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है उसमें कुछ मान्यताएं ले ली जाती हैं। तो सबसे पहली मान्यता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या माना जाता है कि उत्पादन के जो संसाधन है वो अर्थव्यवस्था में दिए होते हैं। दूसरी मान्यता है कि इसमें उत्पादन की जो तकनीक है वो भी क्या होती हैं, स्थिर होती हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन हो जाएगा तो फिर उत्पादन की मात्रा भी परिवर्तित हो सकती हैं। और तीसरा ऐसे मान लिया गया है कि जो भी अर्थव्यवस्था में संसाधन दिए हुए हैं उनका पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। तो इन मान्यताओं को लेकर हम उत्पादन संभावना वक्र की रचना करते हैं। अब एक स्थिति देखते हैं कि जब हमारे पास में ये जो उत्पादन संभावना वक्र होता है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो हमारा ए बी उत्पादन संभावना वक्र है इसके प्रत्येक बिंदु जो हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, संसाधनों के पूर्ण उपयोग को, ठीक है। जैसे ए बिंदु हैं, ये सी बिंदु हैं, ये डी बिंदु हैं, ये ई बी बिंदु है, ठीक है। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन के संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। तो संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके वस्तु की जो मात्रा उत्पादित की जा सकती है वो बिंदु कहाँ पे आएंगे, इस वक्र के ऊपर। इस वक्र के अंदर बिंदु है, माना कि ये एफ बिंदु है, जो क्या प्रदर्शित करता है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, कुछ संसाधन बेकार हैं। और यदि इस ई बिंदु की बात करते हैं तो ये हमारे उत्पादन संभावना वक्र से बाहर की तरफ है, जो क्या प्रदर्शित करता है, अप्राप्त संयोग, मतलब अर्थव्यवस्था के पास में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके इस बिंदु को, इस स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, संसाधन सीमित हैं इस कारण। और एक स्थिति है कि जब अर्थव्यवस्था के पास में संसाधनों में वृद्धि होगी तो हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहले हमारा ए बी था, अब बन जाएगा ए डैश बी डैश, जो क्या प्रदर्शित करता है, अर्थव्यवस्था के पास में संसाधनों में वृद्धि हुई है, या अगर तकनीकी में सुधार होगा तो भी क्या होगा, दोनों वस्तुओं का उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी, इसलिए हमारा जो वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाता है। तो ये हमने उत्पादन संभावना वक्रों के बारे में पढ़ा है। ये केवल 12th लेवल का है, राजस्थान बोर्ड के हिसाब से हम देखते हैं तो शॉर्ट में हमने लिया है इस टॉपिक को।